नमस्कार आप सभी का। इस समय आप देख सकते हैं आपके सामने है श्री बद्रीनाथ धाम जी का मंदिर, जो कि भारत के चार धामों में से एक धाम है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बेहद सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत दूर से श्रद्धालु यहाँ पर श्री बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कर रहे हैं। भक्ति भव्य इस मंदिर को सजाया गया है। दिवाली के उपलक्ष्य में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु और भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी इस मंदिर में बाबा के आशीर्वाद हेतु आए थे। सामने की चौकी आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको ये बर्फ दिखाई देगी। अभी हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है, थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज हो रही थी बर्फबारी, लेकिन अब कम हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर इस वरदान से कम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ आके आपको एक अद्भुत ही आध्यात्मिक सुकून मिलता है। यहाँ के पहाड़ों को आप देख सकते हैं कि ये जो भूमि है ये तपस्या की भूमि रही है, ये ऋषि मुनियों की भूमि रही है। और आदिकाल से ही भारतीय सनातन परंपरा में यहाँ पर साधु संतों ने तपस्या की है, और आज भी हम उनका आशीष इस धाम से ले सकते हैं, उनको उनका आशीष मिल सकता है। तो देख सकते हैं कि जितनी भी तारीफ की जाए इस मंदिर की बेहद कम है, किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और यही वो मार्ग है जहाँ से पांडव स्वर्गारोहणी की ओर गए थे, उसके आगे माणाई गांव पड़ता है। तो जब भी जीवन में आपको समय लगे इस जगह में अवश्य भगवान के दर्शन करने आइएगा। और यहाँ का जो ये अद्भुत सौंदर्य है आप देख सकते हैं, सामने आपको प्रवाहित हो रही है यहाँ से, जो आगे जाके देवप्रयाग में गंगा बनती है। सामने आपको दिख रहे होंगे झरने, और सामने आप ग्लेशियर देख सकते हैं किस तरीके से बेहद ही अद्भुत आनंद की अनुभूति इस जगह पे आके हो रही है, जिसको शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। मेरी श्री बाबा बद्रीनाथ जी से कामना है कि सभी के जीवन को एक मंगलमय बनाए और एक शांतिमय जीवन प्रदान करें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण सभी के जीवन को बाबा बद्रीनाथ दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण दे सभी के जीवन को एक